बड़ा मार्जिन बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर के है, उसमें शिवराज सिंह चौहान। बधाइयों से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो एसपी प्रत्याशी आदित्य यादव 3085 मतों से आगे चल रहे हैं। बदायूं से ये बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव 3085 मतों से आगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन उनका है। कई बड़ी सीटें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जीती है, वहीं बदायूं से ये जानकारी, जहां पर एसपी प्रत्याशी का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही है, 57,146 वोट से आगे चल रही है मीसा भारती। दूसरे स्थान पर बीजेपी के रामकृपाल यादव चल रहे हैं। तो बिहार के पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही है, 57,146 वोट से आगे है मीसा भारती। दूसरे स्थान पर बीजेपी के रामकृपाल यादव हैं। तो बता दें कि बिहार के पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो 57,146 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी, दूसरे स्थान पर बीजेपी के रामकृपाल यादव हैं। तो पाटलिपुत्र जो कि मीसा भारती जहां आगे चल रही हैं, आरजेडी प्रत्याशी, और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से बात करें, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजल अंसारी जीते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजल अंसारी, जो कि लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, यहां बीजेपी को भटकनी। हालांकि 19 में भी यहां से बीजेपी हार गई थी, अफजल अंसारी ने ही चुनाव हराया था बीजेपी को, लेकिन ये सीट 2014 में बीजेपी के खाते में ही थी और ऐसे में 24 में भी ये सीट बीजेपी हार गई, अफजल अंसारी यहां से जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। बिल्कुल, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी जीत गए हैं। हालांकि यहां पर अफजल अंसारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था। ऐसे में ये भी उम्मीद थी कि वो शायद यहां से चुनाव लड़ पाते कि नहीं लड़ पाते, लेकिन आखिरकार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक बड़ा फैक्टर जो माना जाता है सिंपथी, जो कि वोट अफजल अंसारी को जरूर मिले होंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी यहां से जीत गए। जिस तरीके से अभी यहां पर मेरे सहयोगी राहुल ने बताया कि 2014 में ये सीट बीजेपी के पास रही थी, 2019 में ये सीट बीएसपी के पास में थी और अब 2024 में ये सीट समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के पास, इंडिया गठबंधन के पास ये सीट अफजल अंसारी यहां से जीत गए हैं। तो ये बड़ी खबर गाजीपुर से। तो अफजल अंसारी ने जीत दर्ज की है, बीजेपी के खाते में ये भी सीट नहीं गई, यानी कि जो उम्मीद उत्तर प्रदेश से बीजेपी को थी, बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। हालांकि 80 की 80 सीट कही जा रही थी एग्जिट पोल में ही अलग आंकड़ा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा गठबंधन ने, उसकी तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो बीजेपी की तरफ से पारस नाथ थे जो कि चुनाव हार गए हैं गाजीपुर से, अफजल अंसारी यहां से जीत गए हैं। तो चुनाव नतीजे पर बीजेपी में मंथन तेज, एनडीए की बड़ी बैठक।